हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स डू पार्टी मेकअप लुक इन समर्स। सबसे पहले मैं एक वेट वाइप से अपना फेस क्लीन करूंगी अच्छे तरीके से, और अपना नेक एरिया भी क्लीन करूंगी, क्योंकि समर्स में हम लोग कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए आप अच्छे से अपना फेस क्लीन करके फिर टोनर यूज़ करूँगी। उसको स्प्रे करने के बाद आप उसको, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता है तब तक आप अपने फेस पे टैप टैप करके उसको ऑब्जर्व कराइएगा। और उसके बाद मैंने सीरम अब यूज़ किया है। मैं सारे के सारे प्रोडक्ट लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीरम था, मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ, और बहुत हाइड्रेट कर देता है फेस को। इसमें एक प्लस पॉइंट है, ये बहुत लाइट वेट सीरम है, आपकी स्किन में पता ही नहीं चलता ऑब्जर्व होने के बाद कि आपने कुछ लगाया है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया स्विस ब्यूटी का प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर इंक्लूड है। ये प्राइमर दोनों ही काम आपका फेस मॉइस्चराइज भी कर देगा और प्राइमर का भी काम करेगा, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, काफ़ी समय से भी यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने मास्किंग बीबी क्रीम यूज़ की है। उसके बाद मैं बहुत समर्स में जितना मिनिमल्स मेकअप यूज़ करो, मतलब कम से कम आपको मेकअप यूज़ करना है और उतना अच्छा आपका बेस होगा और फ्लॉलेस स्किन आपकी दिखेगी। फिर मैंने कंसीलर यूज़ कर लिया है, आपने सब उसका क्लिप देखा मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है। जहाँ जहाँ आपके डार्क एरियाज हो वहाँ वहाँ आपको कंसीलर यूज़ कर लेना है। अंडर आइज, नोज़, अपर लिप्स वगैरह सारे जगह आपको यूज़ करना है, मतलब कि। और फिर उसके बाद मैंने क्रीम ब्लश यूज़ किया है, और उसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया। फिर मैंने ब्राउज को सेट किया अपने। फिर आई लुक की बारी आई, तो मैंने ब्राउन शेड लेके ऑल ओवर लिड पे ब्लेंड किया फ्लफी ब्रश से, और अच्छे से ब्लेंड करना। ये थोड़ा फास्ट मोशन पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बट आप ब्लेंड बहुत स्मूथली करिएगा। फिर आप एक सिमर शेड लेके अपने लिड पे अप्लाई करिएगा मिड लिड पे, और उसके बाद अपने लोअर लिड पे भी ब्राउन शेड लेके उसी ब्राउन शेड को लेके आपको ब्लेंड करना है। और फिर मैंने आईलाइनर स्किप करके आई शेडो से मैंने फिर एक विंग आईलाइनर क्रिएट किया। उसके बाद कॉन्टोर अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, जॉलाइन, चिक्स, फोरहेड पे, और इन सारी जगह अप्लाई करने के बाद आपको ब्लेंड करना है कॉन्टोर ब्रश लेके। फिर उसको अपर मोशंस पे ब्लेंड करिएगा, और जॉ लाइन पे आपको डाउनवर्ड पे ब्लेंड करना है। और उसके बाद अपने फेस को सेट करना मत भूलना गर्मियों में। लूज पाउडर से अगर सेट कर रहे हो तो बेकिंग मत करना, बट थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेके पूरे फेस से को सेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप गाइज, लिटरली अगर ये ना करो तो आपके फेस पे कुछ चमक नहीं रह जाती है। तो हाइलाइटर कभी भी स्किप मत करना, अगर आप नहीं यूज़ करते तो प्लीज़ जाके यूज़ करना स्टार्ट करो। तो आपको हाइलाइटर अप्लाई करना नोज़, चीक्स। फिर मस्कारा की बारी, अगर आप फेक लैशेस स्किप कर रहे हो तो मस्कारा ज़रूर अप्लाई करिएगा। और नेक्स्ट मैंने ब्राउन न्यूड शेड अप्लाई किया है, मैं लिंक प्रोवाइड कर ही दूंगी, मैंने बताया आपसे। दैट्स ऑल, इट इज़ माय फाइनल लुक। अगर ये लुक आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट गाइज ज़रूर करना। आई लव यू ऑल।